असा नशा करण्यापेक्षा भक्तीचा नशा करावा, संगीताचा नशा करावा, कामाचा नशा करावा. खुश बाजू होली तो हमेशा मनाता हूँ और बहुत जोर शोर के साथ मनाता हूँ. प्रायः मैं होली के समय नागपुर रहता हूँ, इस बार बजट के कारण मुंबई में हूँ और कृपा भैया ने एक होली का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमारे सांसद मनोज तिवारी जी और निरहुआ जी ये भी पधारे, तो मैंने कहा इस रंगारंग कार्यक्रम में थोड़ा रंगों का मज़ा मैं भी ले लूँ और इसके लिए मैं यहाँ पर आया. मैं आप सभी के माध्यम से पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएँ भी देता हूँ और मुझे विशेष खुशी है कि आज हमारे पत्रकारों के साथ भी होली खेलने का अवसर मुझे मिला, तो आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ. बजट में होली का कितना रंग दिखाई देगा? ये ऐसा है कि पहिल्यांदा तर महाराष्ट्रातील सर्व जनांना आणि सर्व भारतातील लोकांना मी होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. होळी आणि रंगपंचमी एक अशा प्रकारची पर्व आहे की ज्यावेळी आपण होलिका देवीच्या ज्वालांमध्ये जे जे वाईट आहे तेथे टाकून जाळून देतो आणि एक नवीन सुरुवात करतो आणि दुसरीकडे रंगोत्सवाच्या माध्यमातून एकमेकाला एकमेकाच्या रंगामध्ये रंगवतो आणि हे जग सप्तरंगी आहे हे देखील आपण या ठिकाणी दाखवायचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे निश्चितपणे जसे होळीचे विविध रंग आहेत तसे आमच्या बजेटचे वेगवेगळे रंग आपल्याला पाहायला मिळतील आणि सर्वसमावेशक अशा प्रकारचं अर्थसंकल्प आपल्याला पाहायला मिळेल. देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से अलग अलग रंगों से ये होली मनती है वैसे ही हमारा बजट भी अलग अलग रंगों में रंगा होगा और सभी के लिए अपना रंग उसमें देखने को मिलेगा. सर ऐसा कहा जाता है होली में सारे विरोधियों को माफ कर दिया जाता है, तो क्या इसके पहले जो भी विरोधी रहे जिन्होंने की सबको माफ करेंगे आप? भाई हमने तो हमारे विधानसभा में उठकर ये कहा था कि बहुत लोगों ने हमको तंग किया, इन सब लोगों से हम बदला लेंगे और हमारा बदला यह है कि हमने इन सबको माफ़ कर दिया. तो हमने पहले ही माफ़ कर दिया है, हमारे मन में कोई कटुता नहीं है. नाही नाही असं आहे की अनेक वेळा होळीला मागच्या काळामध्ये काही आमचे मित्र आहेत त्यांना कोणीतरी खोटं सांगून जरा भांगबिंग पाजून दिले आणि त्यानंतर दिवसभर त्यांचं जे काही चाललेलं होतं, कोणी गाणंच म्हणत होतं, कोणी रडतच होतं, हे सगळं पाहून मजा आली. पण मी हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की असा नशा करण्यापेक्षा भक्तीचा नशा करावा, संगीताचा नशा करावा, कामाचा नशा करावा. राजनीति का नशा आपने बोला कि राजनीति का नशा भी ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए. देवेंद्र जी आपने बोला राजनीति का नशा ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए. बड़ी समस्या कंसर्न है, देखिए नहीं है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस सवाल. देखिए आप लोग मौका तो कोई भी ले ही लेते हैं, आपके लिए कोई मौका नहीं होता, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है जो एक इस प्रकार की बरसात हुई है. हम उस पर ध्यान लगाकर हैं और जो हमारे किसान हैं उनको पूरी मदद करेंगे. जे काही अवकाळी पाऊस झाला ही थोडी चिंतेची बाब आहे, तो कमी एरियात असला तरी त्याचं नुकसान मात्र मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार उभं आहे. देवेंद्र जी आपने कहा राजनीति का नशा लोगों के अंदर नहीं चढ़ना चाहिए और उससे काफी दूर रहना चाहिए लोगों को, ये किस तरीके का जवाब था? और खासकर आज की राजनीति में जब देख रहे हैं कि विपक्ष जब सत्ता में था तो जिस तरीके से काम कर रहा था. देखिए आज राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे, आज तो होली की बात करेंगे. आज हम बड़ी खुशी के साथ सब लोग मिलकर होली मनाएंगे और होली के रंगों में रंगेंगे.